विष्णु जी आपके पिताजी शहीद हुए थे, लेकिन मैं आपको कहता हूँ उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। इस चन्नी की बैठो, ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। ये गोरा किसको कह रहे हैं? सोनिया गांधी जी वो कहाँ के है ये पहले बताएं भाई, सोनिया गांधी जी कहाँ के है? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में, ये सबसे करप्ट है। प्रधान सेवक जो हार समझकर पहना था, गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। माननीय चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सत्ता पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सत्ता में काबज हुए और फिर सत्ता के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। और मैं बस एक बात करके बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी। बिट्टू जी आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। आज देश राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। मैं आग्रह कर रही हूँ माननीय चेयरमैन जी, आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे, उनको बुलाइए, वो पंजाब से आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील, माननीय चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की, बैठो, ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है, और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य, सोनिया गांधी जी वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई, सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में, ये सबसे करप्ट है। माननीय सदस्य अपनी बात कंप्लीट करें। माननीय चेयरमैन जी आपका धन्यवाद। माननीय चेयरमैन जी बैठो राजा, अरे बोलूंगा उसको बिठाओ, अपने आदमी बिठाओ। माननीय चेयरमैन जी, मैं लास्ट बात करके बैठ जाना है, और मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि आज, अरे सुनो भैया, बोलूंगा। माननीय चेयरमैन जी, मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे।